नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। धीरू भाई अंबानी की विरासत मुकेश और अनिल ने एक साथ संभाली। आज मुकेश अर्श पर हैं तो अनिल फर्श पर। मुकेश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और अनिल अंबानी के सामने कर्ज दाताओं की लंबी लिस्ट है। आज अनिल का नाम सिर्फ उन पर लदे कर्जों की वजह से ही अखबारों में नजर आती है। नई सुर्खियां ये हैं कि अनिल अंबानी अब मुंबई का अपना आलीशान दफ्तर बेचने की तैयारी में है। ये कोई ऐसा वैसा दफ्तर नहीं है, अनिल अंबानी का ये ऑफिस 7 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। इसे एकड़ में बदले तो 16 एकड़ से भी ज्यादा जगह होती है और बीघा में कहें तो करीब 40 बीघा जमीन होती है। अनिल अंबानी को भरोसा है कि इस ऑफिस को बेचकर वो करीब 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए जुटा लेंगे। अनिल अंबानी ने हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि वो रिलायंस कैपिटल नाम की अपनी कंपनी का कर्ज चुकाने की कोशिश में है। रिलायंस कैपिटल पर 18 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। अनिल अंबानी समूह अपने कर्ज को इसी साल 50% तक कम करना चाहता है। क्या है अनिल अंबानी की प्लानिंग, जरा वो समझते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी 2 योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक, मुंबई के सांताक्रूज का मुख्यालय बेचने की, और दूसरा बिक्री ना होने पर लीज पर देने की प्लानिंग। अनिल अंबानी समूह इस बाबत ब्लैकस्टोन समेत कुछ दूसरी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्मों के साथ बातचीत भी कर रहा है। मुख्यालय बेचकर अनिल अंबानी अपना ऑफिस फिर से साउथ मुंबई के बेलार्ड स्ट्रीट ले जाने की योजना बना रहे हैं। पहले उनका ऑफिस यही था। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप प्रॉपर्टी बेचकर कैश हासिल करना चाहता है। हेडक्वार्टर बेचने का जिम्मा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL को मिल सकता है। मुख्यालय की मालिक रिलायंस इंफ्रा नाम की कंपनी है। किस हालात में है अनिल अंबानी इन दिनों, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। 11 जून 2019 को अनिल अंबानी ने एक बयान जारी करके बताया था कि उनके समूह ने पिछले 14 महीने में अलग अलग प्रॉपर्टी बेचकर करीब 35,400 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। वैसे ही अनिल अंबानी का बयान तब आया जब उनके समूह की ओर से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू करीब 65% गिर चुकी थी। ये गिरावट जनवरी 2019 से मई 2019 तक की थी। माना जाता है कि रिलायंस ग्रुप का करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 49,000 करोड़ रुपए का कर्ज रिलायंस कम्युनिकेशन पर है। कुछ महीने पहले आरकॉम ने दिवालिया होने की अर्जी दी थी। पिछले 2 साल में रिलायंस ग्रुप की जिन 2 बड़ी संपत्तियों की बिक्री सफल रही उसमें रिलायंस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और ग्रुप का म्यूचुअल फंड कारोबार शामिल है। मुंबई स्थित आरकॉम का डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार 18,000 करोड़ रुपए में अडानी ग्रुप को बेचा गया था। म्यूचुअल फंड बिजनेस 6,000 करोड़ रुपए में पार्टनर निप्पन ग्रुप को हिस्सेदारी बेची गई थी। रिलायंस ग्रुप की जियो के साथ स्पेक्ट्रम बिक्री की डील पूरी नहीं हो पाई थी। अनिल अंबानी की आरकॉम ने पिछले साल बड़े भाई मुकेश अंबानी की जियो को 23,000 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम बेचने की डील की थी। सरकारी मंजूरी में देरी के चलते ये डील रद्द हो गई थी। इन सब के बाद भी अप्रैल 2019 में मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के कर्ज के 485 करोड़ रुपए चुकाए और उनको जेल जाने से बचाया। एरिक्शन के भुगतान के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा था कि तय समय पर भुगतान नहीं किया तो अवमानना की कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा। तो ये खबर अनिल अंबानी से जुड़ी हुई थी लल्लन टॉप के लिए। इस खबर को हमारे साथ अनिरुद्ध ने किया था। मेरा नाम नीरज है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में रूहानी थे। एक सबसे जरूरी अपील वो ये कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, प्लीज उसे डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।